पाकिस्तान के पतन पथ की हम शुरुआत करें, उससे पहले बिग बैकिंग। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दे दिया, पीओके से आवाज उठने लगी है। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीओके में पाकिस्तान से मुक्ति की आवाज उठी है, भारत का सबसे उपजाऊ लैंड पाकिस्तान में गया। योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही हैं, एक एक रोटी के लिए तरस रहा है पाकिस्तान। सुने आप लाइव। कश्मीर में अब पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस मांगने का कार्य करो। अभी मांग वहां पे उठने लग गई है। आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर की क्या स्थिति है। 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है, यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। और भारत समृद्धि की एक नई नई राह चढ़ रहा है। भारत का सबसे जो उपजाऊ लैंड था वो अब पाकिस्तान की ओर गया, लेकिन वो संभाल नहीं पाया, उसको अपने आप में विश्वास नहीं था। परिणाम क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था 9 वर्ष में 10 से घट करके दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, और पाकिस्तान दलिद्रता की नई नई सीढ़ी चढ़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि पीओके में पाकिस्तान से मुक्ति की आवाज उठने लगी है और भारत का उपजाऊ लैंड चला गया वहां पर। लेकिन हिंदू राष्ट्र का आह्वान करने वाले बाबा बागेश्वर ने अब विस्तार में अखंड भारत और पाकिस्तान में भी हिंदू राष्ट्र को लेकर के एक हुंकार भरी है, ये भी सुनिए। गुजरात के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, हम ना तो तुम्हारे पास धन लेने आए हैं, ना हम तुम्हारे पास सम्मान लेने आए हैं, हम तो अपनी जेब से तुम्हें हनुमान देने आए हैं। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। बाबा बागेश्वर ने कहा कि भारत क्या पाकिस्तान में भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में क्या चला ये आप देखें। पीटीआई के नेता शेख रशीद ने शहबाज सरकार को ललकारा है, 9 मई बाद मुल्क में जुल्म की इंतहा हो गई, झूठे मुकदमों से पीटीआई नेताओं को डराया जा रहा है। मैं शहबाज सरकार से डरने वाला नहीं है, शेख रशीद का कहना है। मौत मेरी महबूबा है, हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है, 20 दिन से लगातार मेरे रिश्तेदारों को तंग किया जा रहा है, इमरान हक पर हैं और मरते दम तक हक का साथ दूंगा, ये कहना शेख रशीद का। वहीं इस बीच इमरान खान ने एक वीडियो के जरिए शहबाज सरकार पर करारा हमला बोला है। पूर्व पीएम इमरान खान ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में महिलाओं को कभी भी अपमानित नहीं किया गया, अकेले एक लोकतांत्रिक देश पाकिस्तान में जो इस्लामी भी है। इमरान ने आरोप लगाया कि महिलाओं को राजनीति से बाहर करने का सोचा समझा अभियान है, महिलाओं को घेरा जा रहा है, धमकाया जा रहा है ताकि उनके परिवार के सदस्य अब उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से हतोत्साहित करें। इमरान आगे कहते हैं, अब ऐसी खबरें बढ़ रही हैं कि जेल में कुछ महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न भी किया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के बयान के बाद से हड़कंप मच गया है। पीटीआई पर बैन लगने पर इमरान खान ने बनाया है नया मेगा प्लान, शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं पीटीआई के नए प्रमुख, जल्द ही एक और सरप्राइज दूंगा, ये इमरान खान ने ऐलान कर दिया है। युवा है हमारी पार्टी की सबसे बड़ी दौलत, ये कहना है इमरान खान का। पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए ना कि जिनालैंड का असल में जनाजा निकल गया है तो एकदम